तो भाई ये है मेरे पास एक खराब टीवी और ये आपके लाखों रुपए बचा सकती है। एक खराब टीवी से मैं एक ऐसा जुगाड़ बनाकर दिखाने वाला हूँ आप सभी को जो कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। अगर आप एक किसान भाई हो या फिर आपके घर के आसपास ज्यादा ही चोरी होती है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि आपके लाखों रुपए बच सकते हैं वरना काफी बड़ा नुकसान भी हो सकता है। चालू करते फटाफट से इस वीडियो को। तो भाई ये है मेरे पास खराब टीवी। अगर आपके पास नहीं है तो कबाड़ी वाले से ले लेना, 200-300 रुपए में इजीली मिल जाएगी इस टाइप की टीवी खराब वाली। लेकिन भाई ये जो है आपके हजारों नहीं लाखों रुपए बचा कर जाने वाली है। तो ठीक है भाइयों, अब यहाँ पर इसको ओपन करते हैं। तो फाइनली गाइस हमारी टीवी यहाँ पर ओपन हो चुकी है और यहाँ पर देख सकते हो नीचे की साइड में आपको एक मदरबोर्ड दिखेगा। इस मदरबोर्ड के अंदर बहुत सारी पिंस लगी होगी तो इन सारी पिन को हम निकाल देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो बड़ी सी पिक्चर ट्यूब है इसके ऊपर भी एक वायर लगा होगा, इस वायर को भी हम निकाल देंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा इसको निकालने से पहले इसको शॉर्ट जरूर कर लेना क्योंकि इसके अंदर हाई वोल्टेज होता है तो ये आपको झटका भी लग सकता है। तो यहाँ पर इसको शॉर्ट करने के बाद हम इस टाइप से निकाल लेंगे। फाइनली गाइस आप देख सकते हो जो मदरबोर्ड है इससे हमें काम है तो टीवी को हम साइड में रख देंगे यहाँ पर और मदरबोर्ड को ले लेंगे। अब यहाँ पर मदरबोर्ड के अंदर आपको यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर दिखेगा जिसे फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर बोला जाता है। भाई ये एक हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है जिसको हमें यहाँ पर निकालना होगा। तो यहाँ पर हमें निकालने के लिए क्या करना होगा, सोल्डरिंग आयरन लेना होगा और एक डीसोल्डरिंग पंप लेना होगा जिसके द्वारा हम इसको निकालेंगे। डीसोल्डरिंग पंप नहीं है तो आप ब्रश का भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। तो इसको मैं फटाफट से निकाल लेता हूँ अंदर से। तो लीजिए भाई हमारा जो यहाँ पर निकल चुका है, इसके अंदर जो वायर है एक्स्ट्रा उनको हम कट कर लेंगे और जो हमारे पिक्चर ट्यूब के अंदर जो वायर लगा हुआ था उस वायर को ही रखेंगे बस। तो फाइनली गाइस यहाँ पर देख सकते हो जो हमने इसको निकाल दिया है और ऊपर की साइड में जो रबर का केप लगा हुआ है इसको भी कट करके निकाल देंगे। और यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा है तो इसको मैं ब्रश के द्वारा साफ भी कर देता हूँ ताकि अच्छे से क्लीन हो सके। फाइनली गाइस अब यहाँ पर मैं एक एमएम का वायर लेने वाला हूँ जो कि हमारे घर के अंदर वाइंडिंग होती है, जो घर के अंदर वायरिंग की जाती है उसके अंदर यूज़ में होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये एक एमएम का वायर है मेरे पास, ज़्यादा मोटा आपको नहीं लेना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो ये कोर लगी हुई है, इस कोर के अंदर यहाँ पर हमें वाइंडिंग करनी होगी इसके अंदर। तो ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, कोई बच्चा होगा ना वो भी बना लेगा इसको। तो यहाँ पर मैं एक वायर को आगे की साइड में निकालता हूँ और यहाँ पर इसको थोड़ा सा आगे की साइड में निकाल कर इसके अंदर इस टाइप से लूप लगाने। सबसे पहले आपको 5 लूप लगाने इसके अंदर, ज़्यादा लूप नहीं लगाने, 5 लूप लगाकर एक बड़ा सा लूप बनाना होगा इसके अंदर। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने 5 टर्न ले लिए और एक बीच में एक लूप बना दूंगा बड़ा वाला में। इसको थोड़ा ऊपर की साइड में रखना होगा इस टाइप से और उसके बाद वापस से हम यहाँ पर 5 टर्न लेंगे। 5 टर्न लेने के बाद में हम यहाँ पर एक बड़ा लूप बनाएंगे, फिर 5 टर्न लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने कुल मिला के 10 टर्न लिए, 5 एक तरफ, 5 एक तरफ और बीच में बड़ा सा लूप है। और यहाँ पर देख सकते हो हमारी वाइंडिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। जहाँ पर हमने लूप बनाया था उसको कट करके मैंने दोनों वायर को आटे लगा दिए इस टाइप से। और यहाँ पर हमारे जो है 3 पॉइंट मिल चुके हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक एंडिंग पॉइंट और एक मिडल वाला पॉइंट। अब यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ IRFZ44N ट्रांजिस्टर और यहाँ पर 220 ओम का एक रजिस्टर भी लेंगे हम यहाँ पर, जो आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर इजीली मिल जाएगा। एक हीट सिंक लेंगे यहाँ पर भाइयों, यहाँ पर जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो गर्म ना हो इसलिए यहाँ पर इसका हम यूज़ करने वाले हैं। अब नट बोल्ट के द्वारा इसको यहाँ पर इस टाइप से कनेक्ट कर देंगे हम। और भाइयों आप वीडियो को किस गांव से देख रहे हो, कौन सी सिटी से देख रहे हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना भाइयों, ताकि मुझे पता लगे कि आप वीडियो को कहां से देख रहे हो और आपका नाम क्या है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फाइनली अब यहां पर मैं एक प्लास्टिक की शीट लेने वाला हूं जिसके ऊपर यहां पर हमारा फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर है उसको लगाने वाला हूं। तो यहां पर मैं इसको इस टाइप से लगा दूंगा भाइयों और इसको चिपकाने के लिए मैं रिवर्स सीवर टेप का यूज़ कर रहा हूं। तो फाइनली गाइस यहां पर मैंने इसको इस टाइप से लगा दिया है। अब यहां पर जो हमारा ट्रांजिस्टर है उसके 3 लेग्स है तो यहां पर हम एक इसका सर्किट बना लेते हैं। हमारी फर्स्ट वाले लेग के अंदर यहां पर हमारा जो रजिस्टर है उसको इस टाइप से मैंने कनेक्ट कर दिया है और यहां पर सुपर ग्लू के द्वारा इस प्लास्टिक शीट पर मैं चिपका देता हूं। अब हमारा जो रजिस्टर है उसको हमारे जो वाइंडिंग की है उसके फर्स्ट वाले लूप पे लगा देंगे हम और सेकंड वाला जो है वो हमारा जो ट्रांजिस्टर है उसके सेकंड लेग पे लगाना है। फाइनली गाइस यहाँ पर देख सकते हो हमारा फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर का जो मिडल पॉइंट है वहाँ पर प्लस वाला पॉइंट लगेगा बैटरी का और ट्रांजिस्टर के जो थर्ड लेग है वहाँ पर हमारा जो माइनस वाला लगेगा। लेकिन उससे पहले एक सर्किट और बना लेते हैं। यहाँ पर हम 5 वोल्ट का एक रिले लेंगे, ये आपको इजीली मार्केट में मिलेगा। 25 वोल्ट का हम यहाँ पर एक कैपेसिटर लेंगे और यहाँ पर रिले के अंदर इसको कनेक्ट कर देंगे जैसे मैं आपको वीडियो के अंदर दिखा रहा हूँ। प्लस माइनस आपको ध्यान रखना होगा, जैसे मैंने आपको वीडियो के अंदर दिखाया है उसी टाइप से प्लस माइनस लगाना है आपको। अब यहाँ पर देख सकते हो हमारे राइट साइड में जो दोनों पॉइंट है रिले के उनको शॉर्ट कर देंगे। कोई सा भी एक वायर ले लीजिए उसके द्वारा हम यहाँ पर शॉर्ट कर देंगे, मतलब दोनों को मिलाकर सोल्डरिंग कर देंगे। एक जम्पर वायर हमने लगा दिया है यहाँ पर।
फाइनली गाइस यहाँ पर जो एक्स्ट्रा वायर उसको कट कर दिया है मैंने यहाँ पर, ताकि यहाँ पर जो है भाई वो हमारा लग सके। अब यहाँ पर देखो रेड कलर का वायर ले रहा हूँ, जो कि हमारा रिले के नीचे वाले पॉइंट में जो तीन पॉइंट लगे हुए हैं उसके बीच में लगा दूंगा इसको। और एक ब्लैक कलर का वायर ले रहा हूँ, जो कि हमारा कैपेसिटर का माइनस पॉइंट है वहाँ पर लगा देंगे। अब इस सर्किट को हम यहाँ पर जो है सुपर ग्लू के द्वारा चिपका देंगे, या फिर आप ग्लू गन का भी यूज़ कर सकते हो। फाइनली यहाँ पर मैंने इसको इस टाइप से चिपका दिया है। अब यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा फ्लाई बैक का मिडल वाला पॉइंट है उसको यहाँ पर रिले के अंदर लगाना होगा, तो यहाँ पर मैं इसके अंदर लगा देता हूँ। जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ उसी टाइप से आपको कनेक्शन करना है भाइयों, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आता तो वीडियो को दोबारा देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हो हमारे ट्रांजिस्टर के थर्ड वाली लेग को हम यहाँ पर जो है एक ब्लैक कलर का वायर लगाएंगे, और यहाँ पर जो कैपेसिटर के अंदर जो हमने ब्लैक कलर का वायर लगाया था उसी जगह पर यहाँ पर इसको लगा देंगे। तो फाइनली गाइस ये हमारा कनेक्शन हो चुका है काफ़ी अच्छे से। अब यहाँ पर हमारे प्लस माइनस के दो वायर लग चुके हैं। अब यहाँ पर बैटरी लगाने के लिए मैं एक बैटरी होल्डर का यूज़ करने वाला हूँ, जिसके अंदर हम एक बैटरी लगाएंगे। हम यहाँ पर जो है इसको ग्लू गन के द्वारा चिपका देंगे अच्छी तरीके से। फाइनली गाइस यहाँ पर मैं एक स्विच लेने वाला हूँ, ताकि इस सिस्टम को हम ऑन ऑफ कर सकें, तो यहाँ पर मैं इसको चिपका दूंगा इस टाइप से, और यहाँ पर हमारे बैटरी के अंदर इसको कनेक्शन कर देंगे। बैटरी के अंदर यहाँ पर दोनों वायर को हम लगा देंगे, प्लस माइनस, और प्लस वाले के अंदर एक स्विच लगा देंगे। और यहाँ पर जो है मैं तीन बैटरी लूँगा 3.7 वोल्ट की, जिसको मैं यहाँ पर पैरेलल में लगाऊंगा। फाइनली गाइस पूरी मशीन हमारी बनके तैयार हो चुकी है, और ये बन चुकी है हमारी एक झटका मशीन। आप सभी ने सुना ही होगा कि हमारे खेतों के अंदर जो है फसलों की सुरक्षा के लिए एक झटका मशीन होती है, ये वही झटका मशीन है जो कि आपकी फसलों की सुरक्षा कर सकती है। तो भाई ये जो मशीन कैसे काम करती है दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास है 3.7 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरीज। यहाँ पर जो 3.7 वोल्टेज जो है यहाँ पर ये पूरा सर्किट इसको बनाकर यहाँ पर जो है लगभग 20,000 से 33,000 वोल्टेज तक जनरेट करवा देता है। ये वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज होता है, कोई अगर छुएगा तो उसको बहुत भयंकर झटका लगेगा, लेकिन इससे किसी की जान नहीं जाएगी, कोई मरने वाला नहीं है, क्योंकि यहां पर जो वोल्टेज ज्यादा है एम्पियर बिल्कुल भी नहीं है। ये मार्केट में मिलता है लेकिन काफी ज्यादा महंगा मिलता है, तो यहां पर जुगाड़ करके मैंने बनाया ये, आपको चलाकर दिखाता हूं। यहां पर आप देखिए, यहाँ पर देख सकते हो ये बहुत सारी पिन से जो दिखी हुई है ना, इसके अंदर से देख सकते हो ये दूसरे और तीसरे नंबर की पिन के अंदर यहाँ पर हमारा वोल्टेज निकलेगा। यहाँ पर मैं बटन चालू करता हूँ, ये देखिए आपने देखा भी यार कि यहाँ पर ये जो काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज जनरेट हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर एक साउंड भी आ रहा है इसके अंदर बंद चालू का, क्योंकि यहाँ पर ये जो सर्किट बनाया हमने, ये सर्किट क्या कर रहा है भाइयों, इसको लगातार नहीं चालू करता है, ये इसको है ना कुछ सेकंड के लिए बंद भी करता है और चालू भी करता है कुछ मिली सेकंड के लिए, जिससे किसी को भी झटका जो लगेगा वो लगातार झटका नहीं लगेगा, वो एकदम झटका लग के छूट भी जाएगा। और वैसे ये एसी करंट है, इससे किसी की जान नहीं जाएगी, बस झटका लग के वो भाग जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एम्पियर नहीं है भाइयों। यहाँ पर आप देखना कि इसके अंदर जो है यहाँ पर इतना ज़्यादा वोल्टेज दिखेगा कि यहाँ पर जो है प्लाज्मा क्रिएट होने लगेगा। यहाँ पर देखिए आप, ये देखिए भाई, देखो भाई ये जो मशीन है आप अपने खेत में लगा सकते हो। ये जो एक छोटी सी मशीन है ये एक एकड़ के अंदर काम आ सकती है। यहाँ पर आप जो एक एकड़ की जमीन होती है उसके अंदर इजीली इसको लगा सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो और यहाँ पर इसको चला सकते हो। अब यहाँ पर क्या है कि आप डायरेक्टली इसको चार्जिंग सिस्टम भी लगा सकते हो बैटरी के लिए, या फिर सोलर पैनल का सिस्टम भी लगा सकते हो आप, जाके आपका ये चार्ज होता रहेगा। और भाई अगर आपके पास खेत नहीं है, अगर आपका घर है और वहाँ पर आपको लगता है कि डर है चोरी होने का, जैसे मान लो कोई छत पे कूद के आ सकता है, तो आपके छत के आसपास जो है वायर बिछाकर इसको लगा सकते हो, जिससे किसी कोई भी चोर आएगा तो वो झटका लग के भाग जाएगा, इससे मरने वाला कोई भी नहीं है। झटका मशीन कैसे लगाते हैं अगर आपको नहीं पता तो आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हो, बहुत सारी वीडियो है जिनको आप देख कर लगा सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो एक वायर तो हमारा ये हो गया जिसके अंदर वोल्टेज निकल रहा है, और दूसरा वायर जो आप देख सकते हो ये वाला जो पिन दिख रहा है, यहाँ पर हमें एक वायर को सोल्डरिंग करना है और यहाँ पर निकाल देना, दो वायर हमारे पास हो जाएंगे। तो ठीक है भाई, यहां से एक वायर सोल्डरिंग करके निकाल सकते हो, यहां पर एक वायर लगा सकते हो, और ये जो हमारे पूरे एक झटका मशीन बन सकती है। फाइनली आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, इसी टाइप की नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय एवरीबॉडी।